तो हेलो दोस्तों नमस्कार। यदि आप भी एक एईपी संचालक है, आधार कार्ड से पैसे निकालते हैं, तो आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खबर है। इस अपडेट को सुनकर आपके एईपीएस बिजनेस में दोबारा से जान आ जाने वाली है, यानी कि जो भी आपका एईपीएस बिजनेस वो पहले की तरह दोबारा से इंक्रीज हो जाने वाला है। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि 1 जनवरी 2024 से एईपीएस में काफी ज्यादा बदलाव हुए, काफी ज्यादा चेंजेस हुए। जनवरी 2024 के बाद जो भी अपडेट हमें मिलते थे, उन सभी अपडेट से हमारे सभी रिटेल भाइयों को डिमोटिवेट का सामना करना पड़ता था, यानी कि उनको दोबारा से निराशा पैदा होती थी। यानी कि जब भी कोई अपडेट आता था या जब भी कोई जानकारी उनको मिलती थी, उनको यही उम्मीद होता था कि अब भी कुछ ना कुछ यहाँ पर बदलाव या कोई ना कोई यहाँ पर दोबारा से नया नियम आ चुका है जिससे हमारे एईपीएस बिजनेस में दोबारा प्रभाव पड़ने वाला है। और कई सारे रिटेल भाइयों को ये भी उम्मीद हो चुका था कि अब दोबारा से हमारा एईपीएस बिजनेस पूरी तरह से ठप हो जाने वाला है। तो ऐसे में काफी ज्यादा बदलाव हुआ, जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा कि पहले तो आपका दिन में एक बार 2FA करना पड़ता था, उसके बाद आपको दिन में हर बार आपको 2FA करना पड़ा, उसके बाद कई बार क्या हो कि आपको यहाँ पर 2FA भी चार्ज भी लगा दिया गया, लिमिट का भी आपका जो भी था उसको कभी घटा दिया, साथ में यहाँ पर आपका जो माइक्रो एटीएम का ट्रांजेक्शन लिमिट है वो भी घटा दिया, उसके बाद यहाँ पर आपका डिवाइस भी चेंज करने का ऑप्शन आ। तो ऐसे में कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा, तो ऐसे हमारे रिटेल भाई हर बार डिमोटिवेट हो जाते थे। लेकिन अभी एईपीएस यानी कि एईपीएस में एनपीसीआई की तरफ से कुछ नए बदलाव या कुछ नए चेंजेस आए हुए हैं, जैसे में हमारे जितने भी रिटेल भाई हैं उनको काफी यहाँ पर फायदा होने वाला है। जैसा कि आप सभी लोग ये भी पता हो कि हमारे बहुत सारे ऐसे रिटेल भाई हैं जो कि खुद के नाम पे आईडी ना चला के घर के किसी और पर्सन के नाम पे आईडी चलाते थे, भाई बहन या कोई भी और भी हो सकता है, उनके नाम पे वो एईपीएस सर्विस यूज करते थे। तो ऐसे में क्या होता था कि अभी दिन में हर बार आपको 2FA करना पड़ता था, तो ऐसे में उनके घर के किसी भी सदस्य का फिंगर नहीं लग पा रहा था। तो ऐसे में बहुत सारे रिटेल भाइयों का जो एईपीएस बिजनेस ठप हो चुका या बंद हो चुका, और बहुत सारे ऐसे हमारे डिस्ट्रॉ भाई थे जिनके डाउनलाइन में कई सारे ऐसे रिटेल थे जो कि काफी बड़े लेवल पे काम करते थे, अच्छा खासा ट्रैक्शन करते थे, और उनके नाम पे आईडी ना होने के कारण से वो अपना एईपीएस बिजनेस बंद कर दिए या किसी और कंपनी में चले या तो अपना काम ही वो छोड़ दिए। मोस्टली बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि 18 साल से कम होते हैं और अपने घर के किसी और सदस्य के नाम पर वो एईपीएस बिजनेस चलाते थे और वहां पर आसानी से चल पा रहा था। लेकिन अभी क्या है, 2FA करने के कारण से उनका एईपीएस बिजनेस नहीं हो पा रहा है। अभी क्या है, एक अपडेट नया आ चुका है जहां पर 1 जुलाई 2024 से यहां पर जो डेली 2FA करना था वो पूरी तरह से बंद कर दिया गया। यानी कि आपको जब भी पैसा निकालना होगा तो दिन में एक ही बार एजेंट को 2FA करना पड़ेगा, आपको हर ट्रांजेक्शन के पीछे 2FA करने की जरूरत नहीं है। तो पहले क्या होता था, लोग अपने घर में किसी भी सगे संबंधी के नाम पे जो आईडी होती थी उनका एक बार दिन में 2FA कर लेते थे और पूरा दिन वो आसानी से चला पा रहे, तो ऐसे उनका बिजनेस चल रहा था। लेकिन बार बार 2FA करने से वो अपना बिजनेस बंद कर चुके थे, क्योंकि ये तो पॉसिबल था नहीं कि हर ट्रांजेक्शन पीछे फिंगर लगाया जाए और वो अपने सहसंबंधी को बुलाकर लगा सकते हैं। लेकिन अभी क्या है, 1 जुलाई 2024 से यहाँ पर इंप्लीमेंट होने वाला है सभी एईपीएस सर्विस में, यानी कि बदलाव हो जाएगा कि 1 जुलाई 2024 से यहाँ पर आपको बार बार 2FA करने की कोई भी जरूरत नहीं है, यानी कि दिन में एक बार आप फिंगर लगाएंगे तो पूरी तरीके से आप आसानी से ट्रांजेक्शन कर पाएंगे। तो बस आपको एक छोटा सा जानकारी शेयर करना था, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उनको भी जानकारी लग सके। और आप लोगों को जैसा कि पता होगी 30 जून 2024 से हमारा जो L0 डिवाइस वो सारा का सारा बंद हो जाने वाला है, तो आपको 30 जून 2024 पहले से L1 डिवाइस परचेज कर लेना है ताकि आपका बिजनेस इसी तरह कंटिन्यू चलता रहे। तो बस आपको ये छोटा जानकारी शेयर करना था, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और मैं मिलता हूँ किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।